जय हो फ्री फायर के प्रो प्लेयर्स, आप सबका स्वागत है मेरी चलती गेमिंग की एक बहुत ही तगड़ी वाली वीडियो में। तो गाइस इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला जो कोबरा का टोकन है, जो कि गाइस आपको इस बंडल को निकालने के लिए 5 टोकन चाहिए, तो इस टोकन का आप कैसे ओनली 1 स्प्रिंट में निकाल सकते हो। अगर आपके पास भी गाइस कम डायमंड है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना, क्योंकि गाइस यहां पर मैं आपको कुछ ट्रिक बताने वाला हूं जिसके माध्यम से गाइस इस बंडल को आप निकाल सकते हो और गाइस यहां पर बहुत ही ज्यादा आपका डायमंड बच जाएगा। इसलिए गाइस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। अगर गाइस यहां पर आपको कुछ कंफ्यूज है कि कितना डायमंड लगेगा, क्या होगा, सब कुछ मैं आपको पूरा डिटेल से बताने वाला हूं, ट्रिक भी बताने वाला हूं कैसे निकाल सकते हो। इस वीडियो को कहीं पर भी बिल्कुल भी मिस मत करना और यहां पर मैं आपको स्पिन भी करके दिखा दूंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो इससे पहले गाइस अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाक से सब्सक्राइब कर दो, साइड में बेल आइकन का वहां पर क्लिक करोगे तो हमारा आपको 3 ऑप्शन दिखाई दिया जाएगा जहां पर गाइस आपको ऑल में सेलेक्ट कर देना है। तो गाइस सबसे पहले आपको ट्रिक अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है कि यहां पर जो प्रोजेक्ट कोबरा इवेंट में आ जाना है और इवेंट में आने के बाद गाइस यहां पर आपका जो लूडो वाला जो टोकन है, यहां पर आपको कोबरा को हमें क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद गाइस यहां पर जितना भी आपका टोकन है गाइस सभी टोकन को यहां पर स्पिन मार देना। ध्यान रखना गाइस ये ट्रिक आपको शायद किसी ने बताया होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि आपको बताया होगा। तो यहाँ पर सिंपल आ जाना है और जितना भी आपका टोकन है सभी टोकन को यहाँ पर गाइस स्पिन मार के एकदम खत्म कर देना है, भले ही आपका यहाँ पर आइटम वगैरह सब कुछ आप ले क्यों ना ले चुके हो। तो यहाँ पर आपको स्पिन मारना, उसके बाद आपको सेटिंग में जाना है और सेटिंग में जाने के बाद गाइस आपको अदर में जाना है। अदर में जाने के बाद गाइस यहाँ पर जो डायमंड मेंबरशिप है गाइस इसको ऑफ कर देना है। ध्यान रखना गाइस डायमंड मेंबरशिप को ये सबको आपको ऑफ रख देना है और जो फ्री लक्की रॉयल है इसको भी गाइस ऑफ कर देना है। और जब स्पिन मारोगे उसके बाद इसको जैसा पहले था वैसा आपको यहाँ पर कर देना है। तो यहाँ पर जो क्लियर कैच है इसको भी गाइस आपको कम से कम 5 बार 6 बार 7 बार आप कर देना है, जो क्लियर कैच रहता है इसको करना ही करना है। और उसके बाद गाइस आपको क्या करना है, कैरेक्टर में जाना है, जो कि आप सबको पता है। कैरेक्टर में जाने के बाद गाइस आपको क्या करना है कि जो एकदम नुबड़ा वाला, मतलब जो पहले से यहाँ पर रहता है डीजे एडम, चाहे ये आप नूला वाला दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पर फीमेल का कैरेक्टर ले रहा हूँ, जो कि मैं हर बार हर बंदे भाई आदम आदम लेते हैं, तो मैं यहाँ पर नूला का ले रहा हूँ, जो कि इसको एकदम बेलेक कर देना है, एकदम बहुत एकदम काला, एकदम धब्बा वाला काला कर देना है। ध्यान रखना ये सब करना है। उसके बाद आपको पेट में जाना है, पेट में जाने के बाद जो आपका पेट रहेगा उसको रिसेट मार देना है, मतलब आपको कोई भी पेट यहाँ पर नहीं लेना है। ध्यान रखना ये सब आपको ट्रिक यहाँ पर आपको अप्लाई करना है। और उसके बाद गाइस आपको क्या करना है कि लक्की रोल में जाना है। लक्की रोल में जाने के बाद अगर आपके पास डायमंड वाउचर है चाहे वेपन वाउचर है तो वहाँ पर आपको हो सके तो वहाँ पर स्पिन मार देना, अगर नहीं है तो आप यहाँ पर गोल्ड रॉयल में आप आके यहाँ पर स्पिन मार देना। ध्यान रखना ये सब आपको करना है। और उसके बाद गाइस आपको क्या करना है अभी मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस प्रकार से आप यहाँ पर कैसे निकाल सकते हो। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, रोकिए, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर 2263 डायमंड है और यहाँ पर मैं भी आपको स्पिन करके दिखा देता हूँ कि कितना यहाँ पर डायमंड खत्म होगा, तभी आपको विश्वास होगा। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। ओके, तो गाइस यहाँ पर अपन फटाफट यहाँ पर स्पिन करते हैं और कितना डायमंड में मुझे निकलता है वो अभी आप खुद देख लेना, यहाँ पर कितना डायमंड का बचत होगा। तो चलो यहाँ पर स्पिन मारना यहाँ पर शुरू कर देते हैं। और गाइस मैं यहाँ पर सबसे पहला और एक ट्रिक यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ, यहाँ पर आप डायरेक्टली 5-5 का स्पिन मारना। ध्यान रखना अगर आप ओनली 20 डायमंड का स्पिन मारोगे तो भाई साहब मुझे मत बोलना कि नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर आपको भाई डायरेक्ट 5 स्पिन मार देना है, किसी भी हालत में आपको 5-5 स्पिन हर बार आपको मार देना है। तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको मिलने का बहुत ही ज़्यादा चांस रहेगा और फिर से यहाँ पर आपको डायमंड का भी भाई बचत होगा 10 डायमंड का। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर फ्रॉगमेंट से यहाँ पर शुरुआत किया गया, तो बिल्कुल भी आपको मत घबराना है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो मिल गया ना, पहली बार तो नहीं मिला लेकिन सेकंड बार तो यहाँ पर मिला। तो कुछ आपको यहाँ पर डायमंड वेस्ट हो सकता है, कुछ ज़्यादा यहाँ पर नहीं होगा, जो ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, कुछ कुछ डायमंड वेस्ट होगा, ऐसा बात नहीं है कि आपको हर स्पिन तो मैं आपको मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको मतलब एक बार में ही आप 5 भाई बोलोगे तो भाई ये मुमकिन नहीं है। तो देखो फिर से मुझे मिला भाई, देखो भाई खुद आप देख लो यार कितना यहाँ पर पहली बार मुझे मिल रहा है यहाँ पर। तो ये ट्रिक गाइस आपको अप्लाई करना ही करना है, ध्यान रखना। देखो गाइस फिर से भाई मिला कि नहीं, आप खुद बताओ यार मिला कि नहीं, आप खुद देखो। मैं यहाँ पर कोई भी फेक वीडियो नहीं बना रहा हूँ, कितना कम डायमंड मुझे 3 मिला, लेकिन किसी बंदे भाई जो कुछ ज़्यादा ही टॉप अप मारते हैं उसको शायद थोड़ा कम मिल सकता है, मतलब यार कुछ ज़्यादा डायमंड ले सकता है, लेकिन यहाँ पर जो कम मतलब यार बहुत ही कम टॉप अप वगैरह करता है ना, तो उसको भाई मिलने का ज़्यादा बहुत ही चांस रहता है। बिल्कुल भी गाइस यहाँ पर आपको घबराना नहीं है, यहाँ पर बहुत ही कम डायमंड में आपको मिल जाएगा। और ऐसा बात नहीं कि भाई आपको भाई हर बार मारोगे तो आपको 5-5 यहाँ पर आपको टोकन मिलेगा, भाई ये मुमकिन नहीं है, हर बार आपको नहीं मिलेगा। और बीच बीच में आपको क्या कर रहा है कि आपको लक्की रोल में गोल्ड रोल में जाना है और वहाँ पर भी आपको स्पिन मारते रहना है। तो देखो ये भाई दे दिया कचड़ा भाई, कभी कभी ऐसा होगा, इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही कम डायमंड में आपको मिलने वाला है, ये जो ट्रिक है जिसको आपको जरूर फॉलो करना है और खास करके आपको लूडो वाला इवेंट में जाना है और वहाँ पर गाइस आपको स्पिन मारते रहना है बीच बीच में। तो देखो यहाँ पर क्या मिलता है भाई, ये भाई गजब टाइप का मिल रहा है। तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है भाई, देखो भाई थोड़ा बहुत तो डायमंड
डायमंड आपका वेस्ट होगा ही है, क्योंकि यहाँ पर आपको 100-200 डायमंड में भाई मुझे नहीं लगता है आपको मिल जाएगा, क्योंकि 100-200 डायमंड में भाई मिलेगा ही नहीं। कम से कम आपको यहाँ पर 600-700 डायमंड यहाँ पर आपको होना जरूरी हो सकता है, और किसी किसी बंदे का तो भाई हर बार में ही मिल जाएगा, तो उसका बहुत ही लग साथ रहता है। तो यहाँ पर मुझे 3 मिल गया और भाई भी नहीं मिल रहा क्या, और भाई निकल जा। अरे यार ये गजब करता है भाई गरीना भाई, कोटोरा लेके तो आ गया यहाँ पर भीख मांगने के लिए भाई, हमें कुछ तो भाई, अरे इज्जत करा वालों का भाई, भाई मतलब कुछ भी भाई लुटिया जा रहा है। तो देखो गाइस फिर से यहाँ पर मुझे मिल चुका है भाई, गजब यार 4 हो गया भाई, मुझे और एक निकालना है। ध्यान रखना गाइस मुझे यहाँ पर और एक निकालना है भाई, बहुत ही यहाँ पर डायमंड का आपका बचाव हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको जो ट्रिक बताने वाला हूँ यहाँ पर फटाफट देखते हैं भाई क्या होता है, निकलता है नहीं निकलता है। और एक टोकन चाहिए गाइस मुझे, और एक टोकन। तो गाइस इस ट्रिक को आप जरूर फॉलो करना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही कम डायमंड आपका लगने वाला है भाई साहब, ध्यान रखना गाइस। अरे यार निकल जा भाई साहब, जल्दी से निकल जा क्या। अरे भाई ये सबसे जो मेन मुद्दा है ना, यहाँ पर जो आपको फालतू का जो यहाँ पर आइटम मिलेगा ना, उस आइटम से भी गाइस यहाँ पर फिर से आप उसको यहाँ पर स्पिन मार सकते हो। ये सबसे पहली मतलब मज़ेदार बात मुझे लगा यार, ये फीचर भाई बहुत ही अच्छा किया, क्योंकि नहीं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा डायमंड वेस्ट जाता, ध्यान रखना गाइस। और यहाँ पर आपको निकलेगा तो यहाँ पर भी आप फिर से यहाँ पर स्पिन मार सकते हो, ये सबसे बड़ी वाली बात है। ये चीज़ भाई मुझे पहले पता था भाई, मज़ा आ जाता है यहाँ पर। तो चलो यहाँ पर देखते हैं क्या होता है, ये भी निकलता है नहीं निकलता है भाई, निकल जा वही निकल जा। अरे अरे ओ भाई यार गजब हो गया, नहीं निकला भाई कोई बात नहीं, चलो फिर से नहीं निकला। फिर से यहाँ पर करते हैं फटाफट, यहाँ पर क्या होता है देखते हैं, अब निकलता है नहीं निकलता भाई। मुझे और एक टोकन चाहिए, एक टोकन मिल जाए तो मज़ा ही आ जाएगा भाई, मज़ा ही आ जाएगा यार। चल भाई निकल जा। और गाइस अभी मतलब वीडियो देखने से पहले यदि आप स्पिन मार चुके हो तो आपका कितना टोकन निकल चुका है देखो, अगर आपके पास ये बंडल निकल चुका है तो आप इस वीडियो को नहीं देखते मुझे जहाँ तक उम्मीद है, लेकिन आपका कितना टोकन निकल चुका है मुझे कमेंट में जरूर। ओ भाई फिर से मिल गया, देखो भाई गजब हो गया मेरा 5 टोकन यहाँ पर गाइस, मस्त एकदम मस्त वाला। तो चलो गाइस अभी अपन यहाँ पर रिडीम करते हैं और देखते हैं कैसा नज़ारा देखने को मिलता है। ओ भाई यार कोई बात नहीं, कोई भाई बहुत मज़ा आया, मैं बहुत मज़ा यार। ओह भाई साहब देखो, लेकिन यहाँ पर ये भाई ये थोड़ा आइटम ख़राब दिया, क्योंकि यहाँ पर अदर सर्वर में भाई बहुत ही अच्छा दिया, लेकिन हम लोग का इंडिया में भाई फिस्ट का स्किन भाई गजब दिख रहा है भाई, बहुत ही मस्त वाला है। और ये बंडल गाइस भाई यार मज़ा आ गया भाई साहब, देखो यहाँ पर भाई ओपी वाला गाइस देखो भाई क्या ही लग रहा है ना भाई, एकदम गजब टाइप का लग रहा है भाई। साथ में ये जो इमोट है ना गाइस, इस इमोट में ही एकदम भाई पैसा वसूल हो जाता है, क्योंकि यार देखो ये जो इमोट है गाइस बहुत एकदम लेजेंडरी वाला इमोट है। उसके साथ साथ यहाँ पर आपको एनिमेशन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, जैसे पैराशूट से उतरोगे तो उस प्रकार में यहाँ पर आपको कुछ अलग एनिमेशन आपको देखने को मिलेगा, मतलब बहुत ही गजब टाइप का यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाला है, बहुत ही मस्त वाला है गाइस। ये जो बंडल है गाइस, अगर आपका 2,000-2,500 भी डायमंड चला जाएगा तो आपको यहाँ पर मतलब यार एकदम उसूल है, क्या ही बताऊँ यार। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर कम से कम आपको 600-700-800-900-1,000 इस प्रकार से आपको डायमंड यहाँ पर लग जाएगा, और किसी किसी बंदे का मतलब और भी कम में हो सकता है, किसी किसी बंदे का भाई कुछ ज़्यादा हो सकता है, लेकिन टेंशन मत लेना, यहाँ पर आपको कुछ ज़्यादा मतलब उतना ज़्यादा खास नहीं लगेगा। तो यहाँ पर देखो मेरे पास अभी 873 डायमंड बच चुका है, मतलब यार बहुत ही डायमंड का यहाँ पर बचत हो गया, जो कि भाई बहुत ही मस्त वाला है। देखो कुछ डायमंड यहाँ पर भाई जाएगा ही जाएगा, मतलब 1,000, 1,100, 1,200 या मतलब 700-800 इस प्रकार से डायमंड जाएगा ही जाएगा। तो इसके लिए आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना, क्योंकि इतना डायमंड भाई उड़ाना बनता ही है भाई, और उड़ाना भी पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको साथ में 2 इमोट भी मिलेगा और साथ में इसका एनिमेशन वगैरह सब कुछ मिलेगा। तो बस यार इस वीडियो में इतना ही, अगर कोई वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।